अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स, आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे। तो आज से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हल करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने सेट किया है, ये कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे आप यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बनाए। तो यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसमें क्या होता है, इसमें यानी कभी कभार कैश बुक का बैलेंस दिया जाता है, कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस दिया जाता है और फिर यानी आस्क्ड पूछा जाता है कि टू फाइंड आउट या टू कैलकुलेट द पासबुक बैलेंस। यानी कैश बुक का बैलेंस दिया जाता है और फिर कहता है कि आप पासबुक का जो बैलेंस आता है वो आप कैलकुलेट कर ले। कभी कभार इसके यानी अपोजिट स्टेटमेंट यानी दी जाती है कि पासबुक का बैलेंस दिया जाता है और यानी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट दी कैश बुक बैलेंस। यानी एक का बैलेंस दिया जाता है और ये कहा जाता है कि दूसरे का बैलेंस आप मालूम करें। तो यानी इसके बारे में ये क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब पहला कहता है कैश बुक बैलेंस, यानी कैश बुक का बैलेंस है दिया गया है ऑन December 31, 2020 ₹40,000। कैश बुक का बैलेंस है दिया गया है 31 दिसंबर 2020 पर और ब्रैकेट में लिखा है डियर, यानी ये डेबिट बैलेंस है, डियर या फेवरेबल, डियर या फेवरेबल दोनों का एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब है, डेबिट का या फेवरेबल का, कि हमारे पैसे बैंक अकाउंट में मौजूद है, यानी हमारे अपने पैसे है बैंक में, इसका यह मतलब है। अब ये कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, अब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और पासबुक का बैलेंस मालूम करेंगे। ये तो कैश बुक का बैलेंस है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, देखें क्या कहता है। ये कहता है कि चेक इशूड, हमने चेक इशू किया है, यानी हमने पेमेंट किया है, चेक इशूड, हमने सप्लायर को, एम्प्लाइज को या अकाउंट पेबल को पेमेंट किया है चेक के जरिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹5,000। लेकिन बैंक में ये चेक प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए, यानी हमने कैश बुक से माइनस किया है, हमने कैश बुक से माइनस किया है लेकिन बैंक में ये चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है, हमने कैश बुक से माइनस किया है। अब कैश बुक का बैलेंस दिया गया है और ये डेबिट भी है, जब हम यानी फिर हम यानी ऑलरेडी हमने कैश बुक से माइनस किया है, फिर कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो फिर हम ये ₹5,000 अनप्रेजेंटेड चेक ये हम जमा करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक यानी चेक इशूड, या यानी हमने चेक दिए है और ये अनप्रेजेंटेड है या नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक फॉर यानी इन दी बैंक फॉर पेमेंट, ये ₹5,000, तो फिर हम ये इसके साथ वापस जमा करेंगे इस तरह, यानी ये हम जमा करेंगे, ये एंट्री हम जमा करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक ₹47,000। हमने किसी से चेक वसूल किया है, अब कैश बुक में हमने जमा किया है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया है डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पर हमने रिकॉर्ड किया है 7,000।
फिर हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक में हमारे अकाउंट में ये पैसे नहीं आए हैं और हमने कैश बुक में जमा किया है, डिपॉजिट किया है। अब ये कैश बुक का बैलेंस दिया गया है ऑलरेडी 7,000 इसमें हमने जमा किया है, तो फिर ये बैलेंस ये 7,000 रुपये फिर हम इससे वापस माइनस करेंगे। ये जो 7,000 रुपये है ये हम कैश बुक से माइनस करते हैं, इस तरह ये आसान है। 4, बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक ₹3,000। बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस काट किए हैं, यानी बैंक ने डिडक्शन किया है हमारे अकाउंट से, बैंक ने यानी डिडक्शन किया है, तो हमारे पैसे बैंक अकाउंट में कम हुए हैं, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो फिर हम ये बैंक का बैलेंस दिया गया है, ये कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो फिर हम ये 3,000 रुपये यानी बैंक ने काट किए हैं, बैंक में हमारा जो अकाउंट है वो कम हुआ है, तो ये 3,000 भी हम क्या करेंगे, ये हम माइनस करेंगे बैंक यानी हम कैश बुक से, इस तरह। इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2,000। बैंक ने हमारे अकाउंट में 2,000 रुपये क्रेडिट किए हैं, मतलब ये है कि जमा किए हैं। क्रेडिटेड मीन्स यानी एडेड टू आवर अकाउंट ₹2,000। बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें जितने भी पैसे हैं बैंक ने 2,000 रुपये और भी जमा किए हैं, लेकिन कैश बुक में हमने ये 2,000 जमा नहीं किए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये अमाउंट हम कैश बुक में भी जमा करेंगे, यानी कैश बुक के साथ ये जमा करते हैं, यानी इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाई बैंक, इस तरह। 6, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक एंड डायरेक्टली क्रेडिटेड टू आवर बैंक अकाउंट ₹7,000। यानी हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, अब हमने अपना बैंक अकाउंट भी दिया है कि जब आप डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आप पेमेंट करें। अब यानी डिविडेंड पेमेंट कंपनी ने किया है हमारे बैंक अकाउंट में, हमको पता नहीं है, लेकिन बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट भी किया है और हमारे अकाउंट में जमा भी किए हैं, कितने हैं, ये 7,000 है। अब हमारा अकाउंट वहाँ पर इंक्रीज हुआ है बाई 7,000, लेकिन कैश बुक में हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हम कैश बुक के साथ भी जमा करते हैं। तो इसमें हम ये अनप्रेजेंटेड चेक ये भी जमा करते हैं, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये बैंक चार्जेस ये माइनस करेंगे, ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड ये भी जमा करते हैं, और ये डिविडेंड यानी कलेक्टेड बाय बैंक ये भी जमा करते हैं। अब हम किस तरह बनाते हैं, देखें जो बैंक रिकंसिलेशन का जो फॉर्मेट है वो इस तरह है कि पहले हम बिजनेस का नेम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी बिजनेस है मुजीब एंड कंपनी है, फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और जिस तारीख पर हम बनाते हैं एज ऑन December 31, 2020, इस पर, फिर ये टेबल है, ये फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर है जिस पे हम डिटेल रिकॉर्ड करते हैं, और ये रुपीज़, ये एक इनर कॉलम है और ये एक आउटर कॉलम है, ये हम अमाउंट के लिए, फिर हम कॉलम यानी हमने प्रोवाइड किए हैं दो। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट, ये जो तरीकाकार है किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, देखें बैलेंस एस बार कैश बुक बैलेंस, ये हम इस तरह अब इसको हल करते हैं, बैलेंस इज पर कैश बुक, अब ब्रैकेट में यहां पर लिखते हैं डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, ये लाजमी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट या फेवरेबल। ये कितना बैलेंस है आप देखें, ये 40,000, कितना है 40,000, ये यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं 40,000, इस तरह। अब पहले जो एंट्रीज, जो ट्रांजैक्शन हम जमा करते हैं पहले हम वो रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके साथ यानी इस तरह ऐड करते हैं, अब इसके साथ ऐड करते हैं, ये जो फर्स्ट वन है
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो चेक जो हमने अपने सप्लायर को एम्प्लाइज को दिए है लेकिन उसने बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, तो इसको कहते हैं अन प्रेजेंटेड चेक। कितने हैं? 5,000। तो ये माइनस करेंगे, यानी ये सेकेंड पर है, यानी अन प्रेजेंटेड चेक। इस तरह अन प्रेजेंटेड चेक, अमाउंट कितना है? 5,000। 5,000 हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। इसके बाद ये माइनस है, ये भी जमा है, यानी इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, ये 5 है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में जमा किया है। कितना है? 2,000। ये भी रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। इसके बाद जो डिविडेंड, बिल्कुल ये भी इस तरह है, बैंक ने हमारे लिए यानी डिविडेंड कलेक्ट किए हैं, अब हम बैंक में जमा किया है, अब हम कैश बुक में भी जमा करेंगे। ये कैश बुक का क्या है? कैश बुक का बैलेंस हमको दिया गया है। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, ये 7,000 है। 7,000। अब ये जमा करते हैं, कितना ये टोटल बनता है? 5,000 और 2,000, 7,000 और 7,000, कितना बनता है? ये 14,000। 14,000 ये इस तरह। इसके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं सब टोटल, सब टोटल 14,000 और 40,000, कितना बनता है? 54,000, 54,000 इस तरह ये। अब हम जो एंट्रीज हम माइनस करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं इस तरह, यानी फिर हम लेस करते हैं इस तरह। अब हम ये भी माइनस करेंगे, यानी जो चेक डिपॉजिटेड हमने कैश बुक में जमा किए हैं लेकिन वहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ये 7,000 जमा नहीं हुआ है, तो हम ये वापस अपने कैश बुक से माइनस करेंगे। तो इसको कहते हैं अन क्रेडिटेड चेक, अन क्रेडिटेड चेक, ये 3 नंबर पे है इस तरह, अन क्रेडिटेड चेक। ये हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुए है, अन क्रेडिटेड चेक। अमाउंट कितना है? ये 7,000 है इस तरह। इसके बाद एक और भी है जो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे अकाउंट से 3,000 रुपये काट किए हैं, अब हम हमको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, फिर हम ये कैश बुक से भी यानी काट करते हैं, कैश बुक से भी हम माइनस करते हैं। 4 बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये है 3,000। अब ये टोटल कितने आते हैं? ये आते हैं 10,000। 10,000 आता है। अब ये यानी ये सब टोटल जो है ये 54,000 से ये हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं ये 10,000। अब 54,000 से 10,000 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस कितना आता है, यानी 54 से 10 माइनस करें कितना बैलेंस हमारे पास आता है? 44,000। 44,000। अब इसने जो बैलेंस दिया है, यानी प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैश बुक का बैलेंस यानी दिया गया है,
अब जो हमारे पास हमने जो बैलेंस मालूम कर लिया, यानी इसने कैशबुक का बैलेंस दिया था 40,000। अब हमको बताया कि प्रीपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हमने बनाया तो अब ये जो 44,000 है, 44,000 ये हमने बैलेंस मालूम कर लिया, ये पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है। तो इसके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस इज पर पासबुक, बैलेंस इज पर पासबुक। और इसके सामने यानी हम क्रेडिट भी लिखेंगे, सी आर या फेवरेबल। इसके सामने क्रेडिट क्यों रिकॉर्ड करते हैं और इसके सामने डेबिट क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हमारे पास यानी जो कैश बुक है, ये कैश बुक है, कैश बुक ये कौन बनाता है? ये बिजनेस बनाता है, ये हम बनाते हैं, बिजनेस कैश बुक बनाता है। और पासबुक कौन बनाता है? ये बैंक बनाता है। अब जब हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बैंक में जब हमने पैसे जमा करते हैं तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और जब बैंक में पैसे आते हैं हमारे अकाउंट में, तो फिर हमारे अकाउंट में जब ये पैसे जमा किए जाते हैं तो ये क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट पर। तो मतलब ये है कि कैशबुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड यानी ये बराबर होते हैं। ये इस तरह कैशबुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड, इस पे कैशबुक के डेबिट पर हम डिपॉजिट करते हैं और पासबुक के क्रेडिट पर बैंक डिपॉजिट करता है। इसका यह मतलब है कैशबुक का जो क्रेडिट साइड है इस पे हम बिजनेस पेमेंट करता है और पासबुक का जो डेबिट साइड है इस पे बैंक पेमेंट करता है, यानी हमारे जो कस्टमर वहाँ पे आते हैं या हमारे जो सप्लायर है, इम्प्लाइज है, उनको जब बैंक पेमेंट करता है तो ये डेबिट साइड पे करता है। तो मतलब यह है कि ये दोनों पेमेंट साइड है, ये भी पेमेंट साइड, ये भी पेमेंट साइड, कैशबुक का क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के बराबर होता है। ये डिपॉजिट, ये भी डिपॉजिट, कैशबुक का डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ बराबर होता है, यानी दोनों का एक ही मतलब है। अब ये चूंकि कैशबुक का डेबिट है, अब जो भी डिजिट, जो भी बैलेंस हम मालूम करेंगे तो उसके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी ये पासबुक का बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मतलब यह है कि ये कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, इसका ये मतलब है। इसके अलावा जो दूसरे मुख्तलिफ इसमें केसेस है तो वो केसेस इंशाल्लाह हम तरतीब के साथ एक एक क्लियर करेंगे। थैंक यू।